सबसे पहले हम सूजी को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर में। अब हम पिसी हुई सूजी में डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालिए। अब हम इसमें पानी डालकर एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो हमारा ये डो तैयार है, अब हम इसे अच्छे से बेल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसे अच्छे से रेक्टेंगल शेप में बेल कर अच्छे से काट लिया है। तो अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और ये देखिए हमारा पास्ता तैयार है। अब हम इस तरह और बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे ये पास्ता तैयार है। तो अब आप इसे नॉर्मल जैसे पास्ता बॉईल करते हैं उसी तरह कीजिए। तो जब ये पक जाएगा तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, इससे आपको पता चल जाएगा।